तो आज हम डू इवेंट्स के ऊपर एक और एग्जांपल आपको देने वाले हैं। एग्जांपल जैसे कि अभी एकता जी ने बोला कि क्या चार्ट्स पे इस्तेमाल होता है, हमने बोला नहीं, चार्ट्स पे सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता है, डू इवेंट का यूज होता है आपके द्वारा किया गया हर एक इवेंट को कलर करना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एरिया को सिलेक्ट किया हुआ, क्या हुआ है हमने गया इसमें क्या, मैं बुक थ्री पे आता हूँ, बहुत सारे बुक खुले हुए हैं। इंसर्ट, हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया, हमने यहाँ पे क्या सब हमने दिया dim r as a range और हमने यहां दिया कि for each r in selection, यहां देखिए for each loop का यूज हो रहा है सर, क्यों, क्योंकि मुझे यहां पे ये नहीं लगा पाऊंगा कि इसमें कितना होगा, मतलब कि इसके अंदर कितने कितने बार रिपीटेशन है, तो हमने बोला यूजर जितना सिलेक्ट कर रखा है उतना बचा। और हमने यहां बोला कि आर डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू आर जी वी 20, हमने दे दिया, राइट। अब क्या होगा देखिए, अब मैं इसको रन करूंगा इस मैक्रो को, और मैक्रो को तो आपके सामने एक बार में सलर हो गया ना सर, कोई फर्क नहीं पता चला, एक बार में कलर हो गया, राइट। मैं इसको इसके आगे मैं डू इवेंट्स लगा दिया और डू इवेंट हमने इसके नीचे भी लगा दिया, अब देखिए क्या होगा, पता चला से भी स्लो करना होता क्या ये डू इवेंट की जो स्पीड है इससे भी स्लो इवेंट करना होता, उसके दो तरीके, एक तरीका है कि आप कई सारे डू इवेंट्स लिख दें तो डू इवेंट स्लो हो जाता है, ठीक है, जैसे मैंने कई सारे लिख दिया है तो कोई खास तो नहीं कि हाँ थोड़ा सा स्लो होगा, थोड़ा स्लो होगा, लेकिन आप चाहते कि नहीं पूरा स्लो हो जाए तो मैं थोड़ा सा कम सिलेक्ट एरिया सिलेक्ट करता हूं, यहां पे डू इवेंट के जगह पे आप दे सकते हैं एप्लीकेशन डॉट वेट कितना, तो हमने बोला नाउ प्लस टाइम वैल्यू एक सेकेंड, ठीक है। अब क्या होगा कि हर इवेंट के बाद एक सेकेंड का गैप हो, यस सर, आ गया आपको डू इवेंट्स, यस सर, यस सर, आपको फिर यूज नहीं है, नो सर, नो। और इसको और बेटर बनाने के लिए आप इसमें जो ये यहाँ पे मैं यहाँ पे आर ई इक्वल टू एप्लीकेशन
initial dot ran between the virtual function over dot ran between हमने जीरो से 255 कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। इसको हमें लूप के अंदर आना है। यहाँ पे फोर ईच लूप समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? यस सर। पर्टिकुलर सिलेक्शन पे चलाना हो तो फोर ईच लूप का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्या होगा, मैं एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं रन करता हूं। और इसी का यूज मैंने एक अभी एक प्रोजेक्ट पे पहले कर रहा था जिस कारण से मैं आपकी क्लास बस में लेट लिया है। ये दिख रहा है, हेलो? यस सर। जी सर जी। कैसे किया इसको तो चलिए, हमने डेवलपर में आके यहाँ से टूलर बटन ऑन किया, मैं डिजाइन मोड पे करता हूँ, और फिर मैं इस पर डबल क्लिक करके हमने इस कोड को लिखा। हमने रैंडमली कलर लिया, सबसे पहले रैंडम हमने क्या लिया, कलर लिया, और फिर हमने यहाँ पे रैंडम क्या लिया, पॉइंट्स, मतलब कि हमारे इसमें 12 पॉइंट है ना, तो रैंडम हमने कोई भी कलर किसी पॉइंट को करेगा तो रैंडम हमने पॉइंट्स ले, हमने चार को सिलेक्ट किया, हमने सीरीज को सिलेक्ट किया, सीरीज के एक रैंडम पॉइंट को सिलेक्ट किया, और फिर हमने डू इवेंट लगाया और उसकी कलर को रैंडमली कलर को चेंज कर दिया, और फिर आप फिर वापस डू इवेंट लगा। तो ये क्या कर रहा है, ये कब तक चलेगा? अब यहाँ पे मैंने डू अंटिल लूप लगाया। डू अंटिल लूप जैसे कि हम अगर इस पे क्लिक करते हैं तो ट्रू हो जाता है, तो जब तक ए आपका तुलक बटन का रिजल्ट ट्रू रहेगा, जब तक तुलक बटन का रिजल्ट ट्रू रहेगा तब तक चलता रहेगा। फॉल्स कब होगा, जब मैं उसमें वापस क्लिक करूंगा। तो ये आपका डू अंटिल लूप है, जिसको मैं आपको कल से फोर ईच और फोर अंटिल लूप को मैं कल से आपको पढ़ाने वाला, इसलिए मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाया है कि यहाँ एक कंडीशन के ऊपर चला कि कब तक चलता रहे, जब तक इसका रिजल्ट फॉल्स हो ना हो, फॉल्स हो सॉरी। और फिर इसने यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल्स क्यों लिए हैं, चार सॉरी, आर जी बी पे पी जिसके लिए है ना, पॉइंट्स के लिए है ना, किस पॉइंट को, ये डेटा पॉइंट को किस पॉइंट को चेंज करेगा, तो रैंडम किस पॉइंट को कलर चेंज कर देगा। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखिए, आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बस आपको डू इवेंट्स प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, चार्ट्स के ऊपर, कलर के ऊपर। तो इसका यूज एनिमेट एनिमेशन टाइप की चीजें क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं, एनिमेशन, समझ रहे हैं सर? एनिमेशन टाइप, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल हम देता हूँ यहाँ पे। हेलो, हाँ सर, एक क्वेश्चन था, अगर ये एनिमेशन जो आपने विजुअलाइजेशन किया है, ये पीपीटी में अगर कॉपी पेस्ट मारे इच्छा तो वो मैक्रो चलता रहेगा या फिर वर्किंग करना स्टॉप कर दिया? जब तक मैक्रो रन होगा तब तक चलता रहेगा। वो पीपीटी में भी रिफ्लेक्शन होगा उसका? रिफ्लेक्शन तो कंडीशन डाल दीजिए ना कि जब तक ऐसा हो तब तक चलता रहेगा। इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट, हम यहाँ पे एक रेडार चार्ट होता है,
हेलो हेलो यस सर हेलो सर परमिशन चाहिए थी जल्दी ज्वाइन कर लिया आपने यार आप डेली इस तरह से लेट ज्वाइन करेंगे तो रियल जी कैसे चलेगा काम सर लेट हो गया I equal to चले 1 2 2 next I range के साथ हमने combine किया I dot value equal to 10 multiply by देखिए क्या सर हेलो तो छोटा है अगर बड़ा होता तो और ज्यादा होता ना सर और भी इसको मूव कर सकते हैं आप राइट क्लिक
की चीजें भी आप कर सकते हैं। एनिमेशन में इसका यूज कर सकते हैं आपकी स्लोप चले, जैसे कि कल मैंने आपको पाई चार्ट बताया था ना, लाइन चार्ट बताया था, तो लाइन चार्ट में इसे स्केटर चार्ट यूज करेंगे तो और ज्यादा इफेक्ट देगा। जैसे कि मैं बताया था डेट हमने डाला था, इसको सेलेक्ट किया कॉमा, सेलेक्ट किया कॉमा जीरो, अगर मैं इंसॉल्व करता हूँ स्कैटर चार्ट, जो कल मैंने दिखाया था उससे बेटर आपको स्मूथली वर्क करेगा। और ज्यादा इसको स्लो करना है आपको, और स्लो ना इसको और बेटर दिखाना है आपको, ये एक्सिस को भी आप फिक्स कर दीजिए, एक्सिस वगैरह हटा दीजिए, फिर देखिए स्मूथली ऐसा लगेगा जैसे मूव कर रहा है। यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं ना एप्लीकेशन डॉट वेट, लगा सकते हैं। ओके, क्या होता है कि एक सेकंड हो जाता है, लेकिन एक सेकंड काफी ज्यादा गैप हो जाता है ना। अब मान लीजिए आपको 500 या 1000 के लिए जाना है तो सेकेंड 5 सेकेंड तक काफी बड़ा टाइम कंज्यूम करेगा, तो 1 सेकेंड में 2 या 3 या 4 बार चलता है तो बेटर है। ठीक है सर, ठीक है।
ठीक है, तो डू इवेंट्स में प्रैक्टिस कीजिए, कल मिलते हैं सेम टाइम, ओके सर, बात करेंगे हम फॉर ईच एंड डू लूप के ऊपर, ओके सर, ओके बाय।